लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख पॉलिटिकल थर्मामीटर, जी हां, ये कांग्रेस का मुख्यालय है और कांग्रेस का मुख्यालय से ज्यादा कहना सही ये रहेगा कि ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रणदीप सुरजेवाला, ये उनका ऑफिस है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से गहमा गहमी है। एक पुराना सिनेमा हॉल था जो अब बंद हो चुका है और उसको तब्दील किया गया है रणदीप सुरजेवाला यानी कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके ऑफिस में। ये नजारा देखिए, क्या क्या कर रहे हैं आप? सर, आज का बंदा समझे ऊंचा है। किसका? सुरजेवाले का। इतनी एनर्जी कहाँ, ताकत कहाँ से मिल रही है ताऊ? जो भगवान ने दे रखी है। और कुछ लग रहा है कि यहाँ वाला जो रंगीन पानी है उसका भी है? नहीं है। नहीं, नहीं है, उसका प्यार है। अच्छा, तो ये दिन भर यही करते हैं? उसका प्यार है। गला नहीं फंस रहा है आपका? ना, उसका प्यार है कांग्रेस का। ये चुनाव का रंग है, जरा इसको देखिए। और इस वक्त हम आपको जरा अंदर, एक मिनट जरा अंदर जाने दीजिए सर, एक बार अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने दीजिए। ये एक पुराना पुराना सिनेमा हॉल है, जरा आने दीजिए, आने दीजिए इधर। हाँ, ये पुराना सिनेमा हॉल है और ये बंद है अभी, तो इसे रणदीप सुरजेवाला का ऑफिस बनाया गया है। ये वॉर रूम भी यहीं पर सेटअप किया गया है। और ये सही है कि जींद में जो उपचुनाव हो रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला के चुनाव मैदान में उतरने के बाद इसका रंग बदल गया है और बहुत ही टफ फाइट जिसको कहते हैं, बहुत ही कड़ा संघर्ष है। क्या स्थिति है कुल मिलाकर के? एक तरफा चुनाव है, रणदीप जी भारी मतों से जीतेंगे यहाँ जी। ये हर घर, हर घर वाले यही कहते हैं। नहीं, वो बीजेपी वाले भी, लेकिन भतीजा पार्टी भी, चाचा पार्टी भी, सब कह रहे हैं। उनका तो कोई गिनती ही नहीं है जी, फाइट से बाहर है वो तो। वो तो आपसी लड़ाई में उलझ गए हैं जी, पारिवारिक लड़ाई में। चलिए जरा इन लोगों से भी बातचीत करते रहेंगे और आपको जरा नजारा भी दिखाते चले। ये तमाम तमाम नेता देखिए, चुनाव जींद में है, हरियाणा में। और ये देखिए, जी जी, ये हाथ मत पकड़िए सर, ये बड़ा गजब का खेल हो जाता है। ये बिहार से भी लोग जींद उपचुनाव में आए हुए हैं, सिर्फ हमें तो इंतजार है कि राहुल गांधी यहाँ कब आते हैं। ये मतलब ये सर क्या है ना, ये एक ऐसा हथियार है जिससे सरकार बन जाती और गिर जाती है, इसीलिए इसको मैं अपने हाथ में रखता हूँ वरना गड़बड़ हो जाता है। ये मतलब जींद में हरियाणा के लोगों की कमी थी कि आप लोगों को बिहार से भी आना पड़ा, इसलिए फिर पकड़ लिया आपने। इसलिए हम, मेरा नाम डॉक्टर जनार्दन सिंह है, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ देश रत्न फाउंडेशन। फाउंडेशन रिलेटेड अपना आप तो अपना मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि हरियाणा में जींद में कमी हुई कि रणदीप जी को बिहार से? ऑर्गेनाइजेशन के हैं, देश रत्न फाउंडेशन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ट्रस्ट है, उसके हम प्रेसिडेंट हैं। तो क्या जिम्मेवारी, यहाँ जिम्मेवारी क्या दी गई? ऐसा है क्या कि हम पूरा कंसेंसी का भ्रमण किया और हर जगह कांग्रेस का बोलबाला है और रणदीप सुरजेवाला बहुत काफी वोट मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए दफ्तरों में ये माहौल है। और जरा सा रास्ता, ये यहाँ पूरी गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था और ये होर्डिंग देख लीजिए। ये होर्डिंग में उधर सोनिया गांधी भी हैं, बगल में भूपेंद्र सिंह हुडा। मैं अक्सर कहता हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें दुश्मनों की जरूरत बाहर से नहीं पड़ती है, बहुत सारे गोत्र हैं अलग अलग, लेकिन इस चुनाव में सभी लोग एक साथ एक मंच पर हैं। भूपेंद्र सिंह हुडा और उनके बगल में तंवर साहब, उनके बगल में किरण चौधरी, उनके बगल में शैलजा, उनके बगल में कुलदीप विश्नोई, उनके बगल में कैप्टन अजय यादव। ये जितनी चेहरे आपको, जितने चेहरे इस होर्डिंग पे दिख रहे हैं, ये उतने धड़े हुआ करते हैं, उतने गोत्र में, कई बार मजाक में कहता हूँ, हरियाणा कांग्रेस में होते हैं, लेकिन ये सब के सब एक साथ एक होर्डिंग में नजर आ रहे हैं
और इधर राहुल गांधी और उधर से जींद भाई इलेक्शन के कैंडिडेट रणदीप सुरजेवाला। जरा आपको नजारा दिखाते चले, ये वॉर रूम है जहां पर जहां से पूरी रणनीति बनती है। और ये जो बिल्डिंग है ये वही है जो सिनेमा हॉल एक जमाने में हुआ करता था और वो अभी बंद है। ये कौन सा सिनेमा हॉल था? ये क्या कुंदन सिनेमा हुआ करता था, पिछले कई साल से बंद है ये सिनेमा। अच्छा, ये कुंदन सिनेमा हॉल था, ये बंद हो गया पिछले 5-6 साल से। अच्छा, तो ये चुनाव में खुल गया है इस वक्त, इसको चुनाव ऑफिस। अच्छा, ये खुली जगह थी यहाँ, शहर के बीच में, ये जी शहर के बीच में इसको चुनाव है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं। और ये देखिए मुख्य चुनाव कार्यालय, एक कांग्रेस का दफ्तर है जो सिटी यानी कि शहर का कांग्रेस दफ्तर है और ये चुनाव कार्यालय बनाया गया है, यानी कि जो वॉर रूम है ये वॉर रूम की तरह। अब यहाँ क्या क्या इंतजाम है जरा एक बार कैमरा इधर घुमाइए, ये कैंपस देख लीजिए, जो आए वो प्यासा ना जाए। और उधर अब तो खाने का काम समय खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके लिए ये खाने का भी इंतजाम किया गया है। और उधर आपको लेकर के चले, उसके पहले जरा इधर आइए, ये पुराना सिनेमा हॉल है, किसी जमाने में ये देख लीजिए, ये यहाँ पे फिल्में दिखाई जाती थी, अब ये मंच बन गया है। ये क्या यहाँ मीटिंग होती है, क्या होता है? ये मीटिंग हॉल होता है, शाम के इसमें रात को 10-12 बजे मीटिंग लेते हैं रणदीप सुरजेवाला जी और सबको दिशा निर्देश देते हैं, हमारे नेतागण है कार्यकर्ता दिशा निर्देश देते हैं और हम सुबह निकल जाते हैं। अच्छा, ये डेली मीटिंग होती है? डेली मीटिंग होती है। अच्छा। हाँ, दिशा निर्देश देने के लिए, कार्यकर्ताओं को सभ्य तरीके से रहने के लिए, लोगों को विश्वास जिताने के लिए ये मीटिंग होती है। ये देखिए, ये पुराना सिनेमा हॉल था, अब इसे मीटिंग रूम में कन्वर्ट किया गया। रणदीप के बारे में ये कहा जाता है कि चुनाव बड़े तरीके और सलीके से लड़ते हैं और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन्ड वे में, एक एक कहाँ कल मीटिंग होनी है, किस जगह पर उनकी मीटिंग्स रिक्वायर्ड हैं, कहाँ जाना जरूरी है, कहाँ जाने से वोट बढ़ सकता है, कहाँ जाने से घट सकता है, ये सब यहाँ मंत्रणा होती है। और फिर ये अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ बैठ करके, कभी लोग यहाँ से सिनेमा का लुत्फ लेते थे, आजकल रणदीप जी का यहाँ पर डेली रात में मीटिंग होती है। कितने बजे डेली होती है? जब फारिग होके चुनाव प्रचार से उसी मीटिंग लेते हैं। अच्छा, सभी तरीके से रहने के लिए इसलिए मीटिंग करते हैं हमें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक अनुशासन पार्टी है। अच्छा, ठीक है। ये डेली शाम में मीटिंग हो जाती है? किस बार? इसी बार बोल रहे? अब तो आप चूक गए, ये चूक गए, ये खींचिए, हाथ नहीं, ये हाथ सर मीडिया पे मत लगाइए। और ये देखिए, ये खाना इधर बनता रहता है और ये देखिए इधर लोग खा भी रहे हैं। ये देखिए, ये तो पूरी है। अच्छा, अलग अलग प्लेट में अलग अलग, ये पूरा खाने वाने का इंतजाम है? जी सर। हाँ जी सर। तो जितना खाते हैं, ये चावल का जितना दाना उतना, मतलब वोट का भी इंतजाम करते हैं ना? जाके देख मेरी गड्डी खड़ी वहाँ पे। अच्छा, तन मन धन से हूँ। अच्छा, बन रहा है खाना? हाँ जी, सही बन रहा है जी। सही बन रहा है जी। क्या क्या बनाते हो खाने में? अच्छा, परोठा है जी, स्टेप नान है जी, सिल्वर रोल है जी, ठीक है, मिस्सी रोटी है जी, हाँ जी, और सिंपल रोटी है जी। अच्छा, ये रोटी चलती है जी यहाँ पर। अच्छा, तो ये कितने लोग यहाँ मिल करके खाना बना रहे हो? कम से कम जी हम 7 लोग हैं जी यहाँ खाना बना रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और कम से कम 7 ले 6-7 हजार बंदे का खाना लग जाते हैं। अच्छा, 6-7 हजार लोगों का डेली खाना। ये देखिए, ये सफाई उफाई रखते हो ना भाई? हाँ जी, सफाई रखते हैं जी। वो वरना तुम खिला दोगे गड़बड़ खाना, ये सब पेट खराब होगा। जी का सवाल है जी सिर्फ जी, ताकि ये जाते रहे ना फील्ड में। ये देखिए, ये सब आटा वाटा रेडी है। ये रात का खाना कब शुरू करोगे? अभी करेंगे जी, 6 बजे। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ जाऊंगा खाने। आ जाइयो जी, मतलब सब रहेगा ना? ठीक, सब रहेगा जी। पेट वेट तो ऐसे नहीं होगा जी, सब ठीक है। हाँ जी, चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको लिए चलते हैं असली वॉर रूम में, जहां से रणनीति तय होती है कि क्या मुद्दे उठाने हैं, कौन सा नेता क्या बयान दे रहा है, उसको कैसे काउंटर करना है, किस गांव में या किस कस्बे में या किस मोहल्ले में कार्यक्रम होने चाहिए, कहां पर वोट का नुकसान होगा, कहां पर फायदा होगा, ये सब कैलकुलेशन होता है। और ये वो इलाका है जहाँ पे कार्यकर्ता आते हैं तो फिर खाना वाना खाया अपना और थोड़ा आराम भी किए। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको असली वॉर रूम में लेकर के चलते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले चुनाव में 2014 में चाय पे चर्चा बड़ी जबरदस्त हुई थी, यहाँ भी चाय है और इस कंटेनर पर रणदीप सुरजेवाला जींद बदलेंगे, जिंदगी बदलेंगे, है ना? ये चाय वाला तो कहीं और है। चाय वाला तो इंशाल्लाह देखना एक ना एक दिन तो बिल्कुल बैठ ही जाएगा। अच्छा। जैसी राहुल गांधी की सरकार है उससे बेहतर मुझे कोई नहीं लगता। अच्छा। इस तरह का विकास बहुत इस राज्यों में ऐसा करा है, किसानों के कर्ज माफ कर दिए बिल्कुल। अगर यहाँ भी सरकार बनती है तो यही उम्मीद जगाई जा रही है कि यहाँ भी कर्ज माफ होंगे, वो बेहतरीन सरकार रहेगी। अच्छा, यहाँ वाली चाय अच्छी है या मोदी जी वाली चाय अच्छी थी? मोदी की जो चाय थी, अगर ऐसी चाय मिल जाए तो फिर क्या कहने, कोई मिलती नहीं ऐसी चाय। अच्छा, यहाँ वाली चाय। अच्छा, जो चाय बना रहे जरा उनसे भी देखिए ना, ये देखिए इधर। अरे भाई, ये क्या क्या बन रहा है? ये तो चावल दिख रहा है, चाय है सर, राइस है, ये चाय है सर। अच्छा, ये देखिए चाय, ये चाय कैसी है? मोदी जी वाली अच्छी बनती है या आपके यहाँ वाली अच्छी बनती है? सुरजेवाला वाली अच्छी है सर, और ये जीत दिलाएगी सर। अच्छा जी, जो इसको पीता है सर वो सुरजेवाला के ही मंगाता है सर। अच्छा, मोदी जी वाली चाय तो पूरे देश में तहलका मचा रही है। मोदी वाली चाय फट गई है सर। अच्छा जी, वो फट गई है सर। अच्छा जी, आपकी आप उसमें अब कोई स्वाद नहीं रहा सर, जो लोग पीता है उसका मुंह खराब हो जाता है सर। अच्छा, अब ये देखिए, ये क्यों कह रहे हैं? ये देखिए इधर, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, अदरक, हैं? मतलब सारा मसाला रणदीप जी ने पूरे चुनाव में लगा दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सारा मसाला। हाँ जी, हाँ जी सर। अरे माल वाल भी है रणदीप जी के पास की मतलब सिर्फ मसाला वोट वाला माल है? ये सर जितने कार्यकर्ता है सर, सभी कार्यकर्ता ने मिलकर ये प्रोग्राम किया है सर। हाँ जी, ऐसा तो नहीं है कि आप चाय पिला देते हैं उसके बाद सोने चले जाते हैं कार्यकर्ता? नहीं, नहीं सर, प्रचार करते हैं सर, खूब पी के सर जोश आ जाता है और खूब प्रचार करते हैं सर। चलिए ठीक है, ये चाय और इधर कहा जा रहा है, इधर क्या है भाई? इधर अच्छा, ये जरा देख करके आइएगा। हाँ, ये देख करके आइए। हाँ, और ये क्या है, ये कमरा क्या है? अच्छा, यहाँ ड्यूटी लगाई जाती है, आके बताते कि कौन कहाँ गया और किसके संपर्क में, सारी इनके पास लिस्ट है। अच्छा, ये वॉर रूम का एक हिस्सा है, यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? अच्छा, जो बोलेंगे आप आ जाइए, आप आ जाइए जी। इस कमरे में क्या होता है? बस लोग जैसे लोग मिलने आते हैं, रणदीप जी के प्रोग्राम पूछते हैं, उनके बारे में बता देते हैं, आज उस गांव में, आज उस गांव में। अच्छा, हाँ जी। तो ये पूरा छप करके भी तैयार रहता है, इस तरीके से प्रिंटेड रहता है सर? जिस गांव में प्रोग्राम होते हैं उनके ये सब उनको दिया जाता है, वर्करों को, कार्यकर्ताओं को। अच्छा, और वो आगे प्रचार कर देते हैं। तो ये कितने, जैसे कल का प्रोग्राम होगा उसका कब छप जाएगा? उसका आज शाम तक छप जाएगा जी। अच्छा, आज शाम में छप करके सबको चला जाएगा? सब कुछ छप चुका है। छप चुका है, जा चुके। अच्छा, जा चुके हैं सब। ओके, तो ये प्रोग्राम की यहाँ पे शेड्यूलिंग होती है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अच्छा, चलिए जरा इधर देखें जी। जी, अपना काम धंधा छोड़े हुए भाई, पिछले कई दिनों से रणदीप जी की सेवा कर रहा है जी। ये कैसे कैसे तय करते हैं कि आज यहाँ पे उनकी मीटिंग्स रखी जाए, आज इस इलाके में जनसंपर्क हो, कैसे तय करते हैं? लोग हमारे पास आते हैं, वो अपना लिखवाते हैं कि आज हम यहाँ गए वहाँ गए, लोग डिमांड करते हैं कि आज हमारे यहाँ रणदीप जी को भेज दो, तो वो हम सब नोट करते हैं। उसको नोट करने के बाद वो लिस्ट हम छाटते हैं कि कहाँ कहाँ पे नुक्कड़ सभा होनी है, उसके बाद वो हम साइड में ऊपर भेजते हैं, उसके बाद ये सारी लिस्ट तैयार होके अगले दिन का प्रोग्राम तय हो जाता है। अच्छा, मतलब लोग आपके पास आकर के लिखवाते हैं, उसके बाद आप लोग उसकी लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बना करके फिर ऊपर आप दे देते हैं, वहाँ पे एक और कमेटी होगी जो तय करती है कि कहाँ जाना जरूरी है, कहाँ अभी जाना जरूरी नहीं है, प्रायोरिटी वाइज। जी जी, प्रायोरिटी वाइज जी। अच्छा, ये सब बैनर पोस्टर्स भी बहुत सारे छप रहे हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ मजाक में अपने कांग्रेस के मित्रों को कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, मेरे मुंह से आपने कई बार सुना होगा, शोले फिल्म देखी है ना आपने, जय वीरू गब्बर सबके सब है, लेकिन ये पहली दफा जींद बाई इलेक्शन में हो रहा है पिछले कई वर्षों के बाद। ये जितने धड़े हैं सब के सब एक साथ पोस्टर पर हैं और उनको बांधा हुआ है एक तरफ से राहुल गांधी ने और एक तरफ से जो कैंडिडेट है रणदीप सुरजेवाला, वो ये जितने पोस्टर्स हैं। अच्छा, ये कई सारे लोग जो हैं वो खुद से भी छपवा करके यहाँ पर ट्रेड यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये तमाम तरह के लोग हैं जो प्रिंट करवा करके देते रहते हैं। ये किस
पोस्टर पर किसका किसका फोटो होगा ये कौन तय करता है? ये रणदीप जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके ऊपर किसी कास्ट का लेबल नहीं लगा हुआ, वो हर कास्ट के व्यक्ति है, हर कास्ट का वोट भी चाहिए। जिंद में नहीं मिला तो बेड़ा गर्क है? नहीं, बेड़ा गर्क नहीं होगा, क्योंकि उनको हर कास्ट पसंद करती है। उन्होंने कभी कास्ट की राजनीति केरी नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जाट हूँ, उन्होंने हर कोई कास्ट ही पसंद करती है। बनिया बिरादरी हुई, पंजाबी बिरादरी हुई, हर कम्युनिटी उन्हें पसंद करती है और उन्होंने हर कम्युनिटी का एक उससे काम किया है प्यार से और सबको साथ लेके चले हैं। इसी वजह यही वजह है कि जी आज सभी एक छत के नीचे जितने भी बड़े लीडर हैं इलेक्शन में उनके साथ। राहुल गांधी ने ऊपर से कड़ाई की हुई है, सबको फरमान जारी। सर मैं भी घर घर की कहानी रखता हूँ सर, ये ऐसा ऐसा मत बोलिएगा कि किसके किसके पास नॉमिनेशन वाली रात एक रात 9 बजे 9 तारीख को 10-11 बजे क्या क्या मैसेज आया था राहुल गांधी के ऑफिस से। ये सर कितना डिफिकल्ट होता है कि इस गांव में कार्यक्रम लगाएं उसमें लगाएं, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे एरिया को कवर करना है, दिन कम है, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है ये सेलेक्ट करना? ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, बड़े शेड्यूल से प्रोग्राम तय होके हमारे कार्यकर्ता पहले ही प्रोग्राम को चाक आउट करके आगे अपने गांव में जहाँ जहाँ वार्ड में है ड्यूटियां लगा के बड़े स्मूथली तरीके से हमारा अभियान चला हुआ है और हम 100% 10+ वोटों से जीतेंगे। 10,000 से ऊपर की जीत आज के दिन हमारी है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ रही है, गाँव में हो या शहर में हो, हर वार्ड में हो गली में हो, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव अभियान में जनसंपर्क में। ये पॉलिटिक्स ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप किसी भी नेता बड़े हो छोटे हो ग्राउंड लेवल के हो जमीन से जुड़े हो आसमान से जुड़े हो आप उनसे एक सवाल करेंगे तो आपको 10 सवाल का वो जवाब दे देंगे और ये बताने में नहीं चूकते हैं कि हमारे नेता जी इतने हजार या इतने लाख वोट से जीतने वाले हैं। बहरहाल ये पूरा का पूरा माहौल, अभी तो ठंड का समय है, कुछ ठंड वंड का भी इंतजाम है क्या? है, रजाई करते हैं, आप आओ रात को। अच्छा। आपको आराम से सुलाते हैं। बाहर देख रहा था कुछ लोग बड़े मस्त थे। नहीं, मस्त थे, चाय का प्रोग्राम है, रोटी खाना है, सब कुछ आप आइए। अच्छा ठीक है, ये चुनाव है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए ये पूरा का पूरा पोस्टर्स लगे पड़े हैं और जिस मैं जिसकी बात करता हूँ उधर देखिए रणदीप सुरजेवाला, फिर अगेन कैप्टन अजय यादव, कुलदीप विश्नोई, शैलजा, किरण चौधरी और अशोक तंवर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और इधर सोनिया गांधी और राहुल गांधी। यानी दोनों तरफ से बांधा हुआ है कि कोई छटक करके ना जाए, पोस्टर बड़ा हो या छोटा हो। और कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी ही यही है कि गुटबाजी ज्यादा है और जींद इलेक्शन में जरा देख कर संभल कर जींद इलेक्शन में सबको एक साथ रखना ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, टफ चैलेंज भी है। अब आपको जरा आइए इधर ले चलते हैं जो वॉर रूम का जो मेन अड्डा है और ये देखिए जितने समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जोन में देख लीजिए ये सब के सब हैं और होर्डिंग से पटा पड़ा है। इधर भी देखिए अड़ोस पड़ोस वाले की भी दीवार पे पूरा एकदम चमकाया हुआ है, दूर से कहीं से भी आपको रणदीप दिख जाएंगे। और जरा इस कमरे में आपको लेके आते हैं, ये देखिए ये वो कमरा है जो कि बड़ा वाइटल है और ये वॉर रूम है जी। ये यहाँ क्या काम हो रहा है सर? सर ड्यूटियाँ जहाँ भी साहब के प्रोग्राम है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हैं या शैलजा जी के हैं या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रोग्राम है, जहाँ जब उन जाओ हमारे साथी वहाँ काम कर रहे हैं, वर्कर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, ये इस जो हमने आपको पिछला कमरा दिखाया था वहां से ये तय हो रहा है कि कार्यक्रम कहाँ कहाँ होने चाहिए और ये जो वॉर रूम का कमरा है इस कमरे से कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा रहा है ताकि वो पहले पहुंच करके वहां पर सारी व्यवस्थाएं कर सके। जी सर, कर सके। ये देख लीजिए और इधर भी ये मतलब पूरा जोश वोश है, ये जो चेहरा मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा है ये 28 और 31 तारीख को भी ऐसा ही मुस्कुराएगा या मुरझाया हुआ नजर आएगा? लोगों का प्यार मिल रहा है जींद में और रणदीप जी उतरे हैं जींद बदलेंगे जिंदगी बदलेंगे के नारे को लेकर और लोगों का विश्वास प्यार मिलेगा और 31 तारीख को यहाँ जीत निश्चित। ये जो बे इंतहा इश्क करने वाले लोग हैं ना, कुछ सरहद के इधर कुछ सरहद के उधर, तो कई लोग ये हैं। मुझे याद है 10 तारीख को जब नॉमिनेशन फाइल हो रहा था तो रामविलास शर्मा जी पहुंचे हुड्डा साहब के पास और कहा कि ये जी आपका वाला कांटा निकल गया,
ये तो उनकी राजनीतिक सोच है, परंतु हुड्डा साहब आए, आशीर्वाद दिया। अच्छा, ये तंवर साहब को ऐसा तो नहीं कि फंसा दिया गया, सबने घेर करके फंसा दिया? कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़ रहे हैं, आप देखिएगा 31 तारीख को उसका रिजल्ट बेहतर होगा और जीत निश्चित है। चलिए, चुनाव जीतने के बाद सब निकल जाएंगे जी, 31 सब निकल जाएंगे, मतलब कांटा बिल्कुल सारे जो कौन वाला कांटा, जितने कांटे हैं बीजेपी के सब हो जाएंगे। कांग्रेस की जीत निश्चित है और इस जीत के साथ हरियाणा के समीकरण बदलेंगे और भाजपा का जो सेमीफाइनल अपने आप में कहती है वो उसके सारे सपने ध्वस्त हो जाएंगे। और आपका अपना वाला कांटा तो बचा रहेगा ना? मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस हमेशा इकट्ठी है और रणदीप सुरजेवाला जी बहुत भारी मार्जिन से जीत के हरियाणा में एक नई दिशा और दशा को। चलिए, ये है, इलेक्शन जीतना है तो कार्यकर्ताओं में जोश होना बहुत जरूरी है और पॉलिटिक्स में कहानी यहीं से शुरू होती है। जिस नेता के पास बहुत डेडिकेटेड जुझारू और हमारे जैसा पत्रकार अगर हो तो आड़े तिरछे सवाल करता रहता है, उन आड़े तिरछे दुख देने वाले सवालों का सामना करने के बाद भी अगर कार्यकर्ता मुस्कुरा रहा है तो नेता की तारीफ की जानी चाहिए। और ये जो है आखिरी कमरा, आपको यहाँ पे लेकर के चलते हैं, ये देखिए, ये मीडिया कार्यालय है, यहाँ पर जरूरी कार्य चल रहा है, कृपया करके अंदर ना आए। लेकिन हम लोग तो जानते हैं, डिसिप्लिन मानते नहीं, अंदर घुस गए। अब घुस गए तो ये देखिए, ये अंदर है जहाँ पे पूरा मीडिया मैनेजमेंट किसी भी इलेक्शन के लिए और पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन के लोग क्या कह रहे हैं, उसको काउंटर कैसे करना है, ये तमाम मॉनिटरिंग होती है, रणनीति बनती है। और ये सब लोग, अब ये देखिए यहाँ पे प्रिंट आउट निकल रहा है कि जींद बदलेगी, ये सब कार्यक्रम है, ये सब कल कहाँ कहाँ होगा, ये कार्यक्रम सब ये तैयार किया जा रहा है। ये जवाब देखिए पूरी की, ये सब ये देखिए देखिए देखिए, उठाइए उठाइए, ये क्या तैयारी कर रहे हैं सर? ये प्रोग्राम की लिस्ट है जो हम प्रोग्राम तैयार करते हैं, वो सुरजेवाला जी के प्रोग्राम कहाँ कहाँ पर होंगे हम डिसाइड करते हैं, कहाँ नुक्कड़ सभा होगी। अच्छा, और ये इस कमरे में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बस मैं ऑफिस का इंचार्ज हूँ, सब देख रहा हूँ, सभी साथी लगे हुए हैं। और जींद जिले के इलाके यहाँ करते क्या है इस कमरे में, क्या ये सबसे महत्वपूर्ण कमरा है, एकदम आखिरी में ये कमरा बना हुआ है और वो भी दरवाजे पे चस्पा है, अंदर आना मना है, तो इतना क्या गोपनीय यहाँ करते हैं? कोई गोपनीय नहीं है यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना, ताकि जो साथी लगे हुए हैं, सोशल मीडिया के साथी लगे हुए हैं, प्रोग्राम बनाने वाले साथी लगे हुए हैं, कांग्रेस के काफी नेता आए हुए हैं, हर रोज जनसभाएं हो रही है, आज ने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, डॉक्टर अशोक तंवर जी के प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। अभी तो काम बढ़ गया होगा, बहुत सारे गोत्र वालों का एक साथ बनाना पड़ रहा है। देखिए ऐसा है, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, आपके चैनल पे बैठे थे, सभी का गोत्र कांग्रेस पार्टी गोत्र, यही कांग्रेस गोत्र है। वो तो राहुल गांधी ने ऊपर से दे दिया है, जबरदस्त टाइट कर दिया है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हमेशा कहते थे ऐसे नहीं, अब ऐसे रहेंगे, चुनाव आएगा तो ऐसे हो जाएंगे। और वो अब कांग्रेस पार्टी ने दिखाया, सभी नेता लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी जींद जिले में विजय का पताका लहराएगी और जींद जिले की जिंदगी बदलने का काम करेगी। चलिए ठीक है, ये देखिए इधर, ये सोशल मीडिया का काम हो रहा है, ये देखिए आपके आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है, ये सब इस तरीके से कैंपेन डिजाइन हो रहे हैं और सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए रणदीप सिंह सुरजेवाला का ऑफिशियल पेज है, ये आप, अच्छा ये टाइमलाइन, ये देखिए ऑफिशियल पेज है, इस पर ये आप लोग हैंडल करते हैं ये सब ऑफिशियल पेज? नहीं नहीं, हम ये वायरल करते हैं सोशल मीडिया से। अच्छा, सिर्फ सोशल वायरल कर देते हैं, तो कैसे करते हैं वायरल? जींद में है, पूरे हरियाणा में। अच्छा, तो क्या करते हैं उसके लिए? शेयरिंग, वायरल, इनबॉक्स, व्हाट्सएप, सब जगह वायरल करते हैं। कितने लोग आप लोग ये कर रहे हैं काम? 8-10। अच्छा, 8-10 लोग है और 24 घंटा करते हैं? अच्छा, मतलब लगातार ड्यूटी बदलती रहती है। चलिए, रणदीप सुरजेवाला के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति हैं और बड़ा सलीके से करते हैं। और ये भी कड़वी सच्चाई है कि रणदीप, जब कैंडिडेट कांग्रेस ने रणदीप को बनाया, उसके बाद जींद का मिजाज भी बदला है। ये देखिए इस, ये आप क्या बना रहे हैं सर? ये क्रिएटिव बन रहा है, जो हर रोज यहाँ से अपने जो रैली होती है उसका सब क्रिएटिव बन रहा है। तो क्रिएटिव में थीम क्या रहता है, आप अपनी USP बताते हैं या विरोधियों पे भी हमला करते हैं? नहीं, दोनों तरीके से चलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंपेन एक साथ चलता है। अच्छा, अपना पॉजिटिव बताएं और विरोधियों का नेगेटिव? नेगेटिव बताते हैं।
अगर कोई दूसरी पार्टी का कोई बयान दे दे उसको कैसे काउंटर करते हैं सोशल मीडिया? उस हिसाब से तुरंत ही हमारी टीम उसके ऊपर क्रिएटिव बनाना शुरू कर देती है, उस हिसाब से हम आगे व्हाट्सएप पर एसएमएस द्वारा सब में वायरल करते हैं, मास मेल का हम यहाँ से आगे वायरल करवाते हैं। चलिए ये देखिए, ये लगातार जी आ रहा हूँ। मैं तो जरा उनसे भी बात करना चाहता हूँ जिनको कभी कोई टीवी पे देखता नहीं है, सब राहुल गांधी का इंटरव्यू करके चले जाते हैं लोग। आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ के जो लोकल जो है जो जिनके जो विधानसभा क्षेत्र के उन लोगों को जो फेसबुक पे है जो उन लोगों के अपने यहाँ के क्रिएटिव है जो सब है मटेरियल्स उन लोगों को मैं पहुँचा रहा हूँ, उनको इनबॉक्स तो बाय कर रहा हूँ। आप भी बाहर से आए हुए हैं? जिन से बाहर से हैं? जी नहीं, मैं यहाँ से हूँ। अच्छा, आप यहीं से हैं? भाषा तो आपकी नॉर्थ ईस्ट वाली लग रही है। लेकिन रहता बाहर हूँ। अच्छा, आप हैं यहाँ के, रहते बाहर हैं। अच्छा, सही बता रहे हैं ना, थर्मामीटर है मेरा, ऐसा मत कीजिएगा। क्या आप क्या कर रहे हैं सर? सर हम लोग लोकल यहाँ के जो पर्सन होते हैं उनको इनबॉक्स और शेयरिंग हम ग्रुप में डालते हैं, यहाँ के जिनके हरियाणा के जो भी है वो ग्रुप में हम लोग डालते हैं, और हमारा जो क्रिएटिव हमारा जो आज का प्रोग्राम है। ज्यादा शेयरिंग करने पे फेसबुक स्पैम नहीं कर देता है? हमारे पास आइडिया बनाते हैं ना हम लोग। अच्छा, फिर आइडिया बना लेते हैं। हाँ, अच्छा। दूसरी अलग अलग आइडिया होती है हमारे पास, उससे हम लोग अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो मुझे कह दिया, दूसरे को मत बोलिएगा, फर्जी आईडी हो जाती है। तो ये देखिए, ये सब के सब यहाँ पर सोशल मीडिया का काम बहुत अहम हो गया है, और आपको पता है कि हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, और अगर लोगों तक पहुँचना है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जरिया है और सबसे तेज जरिया है वह है सोशल साइट्स का, सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, सोशल नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और इस लड़ाई में जैसा ये सब साथी यहाँ पर बैठ करके कांग्रेस के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, ये काम कर रहे हैं, और ये बताते हैं कि किस तरीके से वो क्रिएटिव बनाते हैं अपने वाले को ऊपर, और अगर कोई विपक्ष का है तो उसको काउंटर भी करते हैं। ये जी विधायक पंजाब से आए, ये सेक्रेटरी भी है कांग्रेस के, ये भी रणदीप सुरजेवाला के चुनाव, तो ये सब लोग आए हुए हैं, मतलब पंजाब से, बिहार से, तमिलनाडु से, मतलब जींद में लोगों की कमी थी। ये बाहर वाले सर जो हम लोग मीडिया वाले आए हैं, वो रहने के लिए होटल नहीं मिल रहा है। जींद की जो इलेक्शन है ये एक आने वाले समय में हरियाणा का सियासी भविष्य तय करेगी, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और आज प्रवक्ता अपने AICC में जो मीडिया डिपार्टमेंट देख रहे हैं, हम लोग पुराने साथी हैं, हम लोग नए नहीं हैं। हम दोस्ती निभाने भी आए हैं? नहीं, हम लोग यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे जी, हम लोग यूथ कांग्रेस में ये अध्यक्ष थे, मैं जनरल सेक्रेटरी IYC था जी, और हम लोग AICC में मैं सेक्रेटरी हूँ, और ये अपना एक मीडिया डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। तो एक दोस्ती है और एक कांग्रेस के प्रति आस्था है, क्योंकि जींद की इलेक्शन जो है ये जींद दिल है हरियाणा में, दिल है हरियाणा का, और इस दिल पे राज करना कांग्रेस का अधिकार हम मानते हैं। चलिए ये आप देख रहे हैं लगातार, और इस कमरे में गर्मी बहुत ज्यादा है, हालांकि बाहर ठंड का मौसम है, लेकिन मैंने कहा कि जींद की धरती पे चलते हैं और जरा पॉलिटिकल थर्मामीटर लगाते हैं। अब आप समझ जाइए कि यहाँ का टेम्परेचर इतना है कि मेरे माथे पे भी पसीना है, हालांकि कैमरे की लाइट और तमाम तरह की चीजें हैं। मतलब रणदीप जी चुनाव हारेंगे या जीतेंगे उससे मुझे परेशानी नहीं है, ये पसीना मेरी उसकी वजह से नहीं है, ये तो पसीना इनके चेहरे पे होगा। 28 तारीख को देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन, और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।